सुप्रभातम छात्रों, आज दिनांक 4/9/2020 कक्षा षष्ठ विषय नैतिक शिक्षा पंचम मेरा। पिछली वीडियो में समास प्रकरण के अंतर्गत तृतीय तत्पुरुष के बारे में आप हमने चर्चा की थी। आइए आज चतुर्थी तत्पुरुष समास, चतुर्थी तत्पुरुष समास के बारे में चर्चा करेंगे। तो जो चतुर्थी तत्पुरुष समास का जो नियम है वह कह रहा है कि जब समस्त पद के विग्रह करने पर पूर्व पद में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है तब वहां चतुर्थी तत्पुरुष होता है। आइए उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट करते हैं। समस्त पद है छात्रावासम, दान पात्रम, हस्त श्रृंखला, परीक्षा भवनम। छात्रावासम का समास विग्रह होगा छात्रेभ्यः आवासम, छात्रों के लिए आवास। छात्रेभ्यः, छात्र कैसा शब्द है? अकारांत शब्द है, क्योंकि जिनके अंत में अकार अर्थात आस्वर होता है उन्हें अकारांत कहते हैं। अकारांत है और पुल्लिंग है और कैसा है? बहुवचन है, अर्थात बहुवचन। और चतुर्थी विभक्ति में जो छात्र शब्द का रूप है वह छात्रेभ्यः है। तो छात्रेभ्यः शब्द के अनुसार छात्रेभ्यः जो है वह पूर्व पद है और आवासम जो है वह उत्तर पद है। और नियम कह रहा है कि जब समस्त पद के विग्रह करने पर पूर्व पद में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है तब वहां चतुर्थी तत्पुरुष होता है। तो छात्रेभ्यः आवासम, छात्रों के लिए आवास। यहाँ पर छात्रेभ्यः शब्द में पूर्व पद में चतुर्थी विभक्ति होने के कारण छात्रावासम जो शब्द है उसमें चतुर्थी तत्पुरुष समास है। इसी तरह से दान पात्रम, दानाय पात्रम, दान के लिए पात्र। दानाय शब्द जो है वह चतुर्थी विभक्ति का है, इसलिए दान पात्रम शब्द में चतुर्थी तत्पुरुष समास कहलाया। हस्ताभ्याम श्रृंखला, हस्त श्रृंखला, हाथों के लिए कड़ी, अर्थात जिसको बोलते हैं हथकड़ी। तो ये आपका हस्त श्रृंखला, हस्ताभ्याम। हस्त शब्द का जब देखेंगे तो चतुर्थी विभक्ति में हस्ताभ्याम शब्द बनता है। हस्ताभ्याम शब्द के अनुसार यहाँ चतुर्थी विभक्ति है पूर्व पद में, और जब पूर्व पद में समास विग्रह करने के बाद पूर्व पद में चतुर्थी विभक्ति होती है इस स्थिति में चतुर्थी तत्पुरुष समास होता है। तो हस्त श्रृंखला शब्द में चतुर्थी तत्पुरुष समास कहलाएगा। इसी तरह से परीक्षा भवनम, परीक्षाए भवनम, परीक्षा के लिए भवन। परीक्षाए, परीक्षाए जो शब्द है वह चतुर्थी विभक्ति का है और पूर्वपद है, अर्थात पूर्व पद में चतुर्थी विभक्ति होने के कारण परीक्षा भवनम शब्द में चतुर्थी तत्पुरुष समास कहलाएगा। यदि हम हिंदी अनुवाद करने के बाद चिन्ह के अनुसार भी समझना चाहें तो चिन्ह के अनुसार भी समझ सकते हैं। सभी में छात्रों के लिए आवास, दान के लिए पात्र, हाथों के लिए कड़ी, परीक्षा के लिए भवन। सभी में के लिए जुड़ा हुआ है और को के लिए कौन सी विभक्ति का चिन्ह है, कौन से कारक का चिन्ह है? चतुर्थी विभक्ति। तो यहाँ से भी हम इसके माध्यम से भी समझ सकते हैं। और समास विग्रह और समास करने का जो नियम है उसको हम पिछली प्रत्येक वीडियो के माध्यम से आपको प्रदर्शित कर रहे हैं। आशा है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। एक बार फिर से देख लेते हैं, छात्रावासम शब्द का हमें समास विग्रह करना है तो हम पहले भी आपको जानकारी दे चुके हैं कि छात्रावासम शब्द है, हमें इसमें इसका समास विग्रह करना है। तो सबसे पहले छात्रावासम में दो पद हैं, उन दोनों पदों को हमें अलग अलग पहचानना है, एक छात्र और
का संधि विच्छेद करेंगे तो छात्र जमान आवासम दीर्घ संधि के अंतर्गत आता है। अब दो पद अलग हो गए छात्रावासम शब्द से, तो छात्रेभ्यावासम, यही समास की प्रक्रिया है। अगली वीडियो में पंचमी तत्पुरुष समास को लेकर के हम पुनः उपस्थित होंगे। धन्यवाद।